हेलीकॉप्टर में तेल भरना एक हवाई जहाज को तेल भरने से थोड़ा अलग होता है। हेलीकॉप्टर में ईंधन भरने के कुछ मुख्य तरीके हैं, जिनमें पहला है हवा में ईंधन भरना। इस तरीके में हेलीकॉप्टर उड़ान भरते समय ही एक विशेष विमान से ईंधन ले सकता है। ये विमान एक नली निकालता है जिसे हेलीकॉप्टर का पायलट अपने ईंधन टैंक से जोड़ लेता है। आमतौर पर लंबी दूरी की उड़ानों में हवा में ईंधन भरने का इस्तेमाल होता है। दूसरा है जमीन पर ईंधन भरना। इस तरीके में हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारा जाता है और फिर एक विशेष ट्रक या पंप से उसमें तेल भरा जाता है। ज्यादातर छोटी दूरी की उड़ानों में जमीन पर ईंधन भरने का इस्तेमाल होता है, चाहे हवा में हो या जमीन पर। हेलीकॉप्टर में तेल भरने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले तो यह ध्यान दिया जाता है कि ईंधन भरने से पहले सभी सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाए। इसमें शामिल है हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जगह पर उतारना, सभी इंजन बंद कर देना, सभी यात्रियों और क्रू को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल लेना। अगला है ईंधन की मात्रा का पता लगाना। हेलीकॉप्टर में कितना तेल भरा जाएगा ये दो बातों पर निर्भर करता है, उड़ान की दूरी और हेलीकॉप्टर के इंजन का प्रकार। पायलट या ईंधन भरने वाला स्टाफ उड़ान योजना के आधार पर यह तय करेगा कि कितना तेल भरना है। ईंधन भरने के लिए एक विशेष नली का इस्तेमाल किया जाता है। ये नली हेलीकॉप्टर के टैंक से जोड़ दी जाती है और फिर ट्रक या पंप से तेल भर दिया जाता है। अगला है ईंधन स्तर की जांच। तेल भरने के बाद ये जांच बहुत जरूरी होती है कि ईंधन टैंक में तेल का स्तर सही है या नहीं। पायलट या ईंधन भरने वाले स्टाफ ईंधन के स्तर की जाँच करते हैं। आखिर में है सुरक्षा। ईंधन भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद वापस से सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता है, जैसे हेलीकॉप्टर के इंजन चालू करना, यात्रियों और क्रू को वापस हेलीकॉप्टर में बिठाना। हेलीकॉप्टर में ईंधन भरना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि हेलीकॉप्टर सुरक्षित और सही तरीके से उड़ान भर सके।